नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों प्लीज आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को टक से लाइक कर दें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलसी इंसान का ना तो वर्तमान होता है, ना ही कोई भविष्य होता है। आलस्य में जीवन बिताना आत्महत्या करने के समान है। आलस्य तरितता और असफलता का दूसरा नाम है। जो लोग हर काम के लिए ये कहते हैं कि बाद में करेंगे, उन लोगों की जिंदगी में हर काम अधूरा रह जाता है। वह किसी काम को पूरा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को लगता है कि हमारे पास तो बहुत समय है, बाद में देख लेंगे, कितना वक्त पड़ा है अभी तो। एक घर में एक पति पत्नी रहते थे। आधी रात के समय उनके घर में कोई आवाज हुई। पत्नी ने अपने पति से कहा कि घर में कोई आवाज आ रही है, लगता है कि घर में कोई चोर घुस आए हैं। उसके पति ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे भी आवाज आ रही है, इस सबको बाद में मैं देख लूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद उन चोरों ने तिजोरी की चाबी उठाकर तिजोरी खोलना शुरू की। उसकी पत्नी ने फिर अपने पति से कहा कि चोरों ने तिजोरी खोल ली है। तो पति ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, चिंता मत करो, मैं देख लूंगा इन लोगों को। थोड़ी देर बाद उन चोरों ने जो कुछ भी तिजोरी में था वह सब कुछ चुरा कर अपने थैले में डाल लिया। और उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारे पास जो भी कुछ था तिजोरी में वह चोरों ने सब कुछ चुरा कर अपने थैले में डाल लिया है। उसके पति ने कहा, हाँ मैं सब जानता हूँ, देख लूंगा मैं इनको। थोड़ी देर के बाद वह चोर सारा सामान चुरा के वहां से चले गए। तो उसके अपने पति से कहा, चोर सारा सामान चुरा कर अपने चले गए, भाग गए। उसके पति ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, देख लूंगा इन्हें मैं बाद में। उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया और अपने पति पर जोर से चिल्लाकर बोली, क्या फायदा तुम्हारे ऐसे जानने का, बार बार कह रहे हो कि बाद में इन्हें देख लूंगा, कब देखोगे? अब जब चोर चोरी करके चले गए तो अब क्या फायदा, तुम्हारा जानना ना जानना एक ही बराबर है। आलसी मनुष्य का यही स्वभाव होता है कि बाद में देख लूंगा। वास्तविकता में आलसी मनुष्य को कोई काम जरूरी लगता ही नहीं, उसे लगता है कि हर काम को बाद में किया जा सकता है। कई लोगों को पता होता है कि हमारी हेल्थ बिगड़ रही है, शरीर बिगड़ रहा है, पर लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं बाद में कर लेंगे। कई लोगों को लगता है कि शरीर के लिए एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत जरूरी है, पर आलस्य के चलते वह कहते हैं कि कर लेंगे एक दिन। कितने ही लोग समझते हैं कि ध्यान करना बहुत जरूरी है मन की शक्ति के लिए, मन की शांति के लिए, पर हमेशा यही सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, और वह बात कभी आता ही नहीं। याद रखना एक बात, आलस्य आपसे आपका सब कुछ छीन लेगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया में कोई है, वो आपका आलस्य है। आलसी इंसान वह सब कुछ पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीजों से बचना है, सब पता होता है, पर उसे सिर्फ एक ही बात कहना आती है कि बाद में कर लेंगे। लेकिन जिंदगी खत्म हो जाती है पर वह बात कभी आता ही नहीं। आप समय को लेकर इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हैं? पता नहीं जिंदगी का दूसरा लम्हा कैसा होने वाला है। किसी के पास भी यह गारंटी नहीं है कि मेरे पास इतना समय बचा है, मेरी इतनी जिंदगी बाकी है। हमें हर चीज की एक्सपायरी डेट पता होती है, लेकिन इस शरीर पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी। किसी का कुछ पता नहीं होता कि किसके पास कितना समय बचा है, और कल कभी नहीं आता। जो भी आपके पास समय है वो आज है, अभी है। किसी इंसान ने देखा है कल? किसी ने भी नहीं देखा। जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं, वो आज होता है। कल तो सिर्फ हमारी योजनाओं में होता है, हमारी कल्पनाओं में होता है। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं, बदलना भी चाहते हैं, पर बहुत लेजीनेस है, बहुत आलस से भर गया है, चाहकर भी कर नहीं पाते। आलस को दूर करने के लिए सबसे पहले आपका शरीर सही होना चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपसे कुछ भी काम नहीं होगा। यदि आप सारा दिन सोते रहेंगे तो भी आपसे कुछ काम नहीं होगा। आपका फूड, आपकी स्लीप अब सबके बैलेंस में हो। बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तो भी काम नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं सोएंगे तो भी काम नहीं कर पाएंगे।
अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अधिकतर लोगों को ओवर ईटिंग की आदत होती है, ज्यादातर खाने की आदत होती है, जिसके वजह से उसे हर काम करने में आलस्य आता है। तो आप ऐसा भोजन करें जिससे आपके शरीर को शक्ति मिले, और उतना भोजन करें जितनी शरीर की आवश्यकता है। वो भोजन ना करें जो मन को जचता है, वो भोजन करें जो शरीर को पचता है। अगर आप अच्छा भोजन करेंगे, फिट रहेंगे, तो आपके शरीर में काम करने की ऊर्जा बनी रहेगी। और दूसरी बात, एक ही टाइम पे 10 काम हाथ में मत लेना, हर काम में हाथ मत डाले। यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं पर सब कुछ नहीं कर सकते। 10 आधे अधूरे काम करने से अच्छा है कि आप किसी एक काम को पूरा करें। वही लोग अधिकतर हर से ज्यादा बिजी रहते हैं जो एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं कि इधर भी चला जाऊं, उधर भी चला जाऊं, ये काम भी कर लूं, वो काम भी कर लूं। जो काम जरूरी नहीं है उनसे खुद को बचाएं, और जो काम बहुत ज्यादा जरूरी है उन पे आप फोकस करें। लोग कहते हैं कि कैसे खुद के लिए टाइम निकालें, हम इतने बिजी हैं कि टाइम ही नहीं बचता। आप बिजी इसलिए हैं, आपने फालतू के 10 कामों में अपने हाथ डाल रखे हैं, इसलिए आप हर काम करने में आलस्य आता है। तो आप वो काम करें जो जरूरी है, और उन कामों से खुद को बचाएं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। और जब भी कोई आप एक काम उठाएं, चाहे वह छोटा सा ही क्यों ना हो, उसे फिनिश करें, उसे आधे में अटकाए मत। ऐसे आप कामों को आधे में अटकाते जाएंगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप जिंदगी में बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, सफल और समृद्ध इंसान बनना चाहते हैं, तो खुद को इस आलसी स्वभाव से बचाएं, क्योंकि आलस्य से दरिद्रता आती है और परिश्रम से, हार्ड वर्क से सफलता आती है। बहुत ज्यादा आलसी इंसान सब कुछ गवा देता है, अपने रिश्ते, अपने शरीर, अपना बिजनेस, अपनी लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाता है। और परिश्रमी इंसान सब कुछ हासिल कर लेता है, अपना अच्छा स्वास्थ्य, अपना अच्छा बिजनेस, अपनी फैमिली, अपनी रिलेशन, अच्छे दोस्त और सब कुछ मिलता है। यदि आप जिंदगी को यूं ही खोना नहीं चाहते तो ऐसे आलस्य के विचारों से खुद को बचाएं। जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आज ही अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसमें लग जाए। बस यही पल आपके पास, आज और अभी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।